खबर 24 न्यूज़, सच वही जो दिखेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने किया प्रहार। कहा, तृणमूल का समर्थन देने वाली पार्टी कांग्रेस बंगाल की गरीब जनता के उत्थान के लिए केंद्र सरकार पर लगा रही है आरोप। पश्चिम बंगाल में गरीब कल्याण रोजगार योजना को लेकर अब त्रिकोणीय राजनीति युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि केंद्र ने भारत के 6 राज्यों में से करीब 118 जिलों को गरीब कल्याण रोजगार योजना से जोड़ा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को भूल गए। अधीर ने पश्चिम बंगाल को भी गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत जोड़ने के लिए अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। वहीं अधीर के द्वारा केंद्र के ऊपर लगाए गए इस आरोप का जवाब देते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि उनको नजर नहीं आता कि बंगाल के श्रमिकों को कोरोना काल में घर वापसी नहीं करने दिया जा रहा है। बंगाल सरकार द्वारा उनको अपने ही घर में घुसने पर प्रतिबंध लगवा दिया जा रहा है। केंद्र के द्वारा लागू की गई योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं किया जाता। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई फंड को लेकर अपना फंड का नाम देकर प्रचार प्रसार किया जाता है और बंगाल की जनता के सामने दिखावे के साथ ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मांग करते हैं कि बंगाल को गरीब कल्याण रोजगार योजना से जोड़ो और गोपनीय मीटिंग पर भाजपा के खिलाफ साजिश रचते हैं। बंगाल के विकास होगी, बंगाल की जनता को सभी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, पर उसके लिए बंगाल की मौजूदा सरकार को हटाकर केंद्र शासित राज्य बनाना होगा, तभी पूर्ण रूप से बंगाल का विकास हो सकेगा। 1000 कोटी टाका चावा मात्र सैंक्शन করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ত্রাণ নিয়ে দলবাজি চলছে। কিন্তু কংগ্রেসীরা এখনো কিন্তু সেই ত্রাণ নিয়ে তৃণমূলের দলবাজির বিরুদ্ধে একটিও শব্দ করেননি। কৃষক সম্মান নিধি কিংবা আয়ুষ্মান ভারত এই রাজ্যে যে কাজে লাগানো হয়নি তা নিয়েও আপনি একবারও শব্দ করেননি। সেই কারণে বাংলা ঠিক হলেই এখানে গরিব কল্যাণ যোজনা, গরিব রোজগার যোজনা কার্যকরী হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে গরিব বিরোধী সরকার পশ্চিম বাংলায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গরিব এবং পরিযায়ী শ্রমিকের। কলকাতা থেকে রাজীব কুমারের রিপোর্ট।